अगर 45 मिनट्स में किसी ने भी ये 4 किलो प्लस का थाली खाया तो उसको हमारी तरफ से 51,000 रुपीज का इनाम। भाई ये होती है भाई इंडिया की सबसे बड़ी थाली। तो गाइस आज हम आपको मुंबई की सबसे बड़ी थाली दिखाने वाले हैं जिसका नाम है नगर सेवक थाली। लेकिन वो थाली जिसके नाम पे है उनको यहाँ सबसे पहले बुलाते हैं। उनका नाम है मॉरिस भाई, ये बोरीवली के ही रहने वाले हैं और बुलाते हैं उनको। तो सर आइए। हेलो सर। हेलो हेलो सर, कैसे हो? तो भाई हमारे साथ है अभी मॉरिस भाई। मॉरिस भाई ये थाली के पीछे क्या राज है, ये थाली अचानक कैसे आप प्रकट हो गई? मैंने देखा महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पे थाली है। बाहुबली थाली है, नगर सेवक थाली है। और पिछले एक साल से मैंने आप लोगों को और बहुत सारे अलग अलग लोगों को थाली खाते हुए देखा। अभी भाई आप लोगों को फॉलो करके हर जगह पे जाके खाते हुए नहीं देख सकता था तो मैंने डिसाइड किया कि आईसी कॉलोनी में थाली शुरू करते और आप लोगों को बुलाते। मेन बात मुझे ये पता चला है कि ये इतनी बड़ी थाली है ये आपको पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी। उसका वेट 4 kg 5 kg से ऊपर है। मुझे लगता है 10 से 15 लोग तो लगेंगे वो थाली कम्प्लीट करने के लिए। बट इसका एक ऑफिशियल चैलेंज भी है, बराबर? वो थोड़ा बताओ हमारे फैमिली को। अगर 45 मिनट्स में किसी ने भी ये 4 किलो प्लस का थाली खाया तो उसको हमारे तरफ से 51,000 रुपीस का इनाम है। अरे वाह वाह वाह, क्या चाहिए। और एक ये थाली की खासियत बात है, वैसी ही मॉरिस भाई की भी खासियत है कि उन्होंने कोविड टाइम में इतनी हेल्प की डोनेशन, जहाँ नीडी पीपल्स को जरूरत होते हैं वहाँ उन्होंने बहुत सारी मदद की। सर को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड भी मिला है। खाना बांटा था वो 1 lakh kg, मतलब क्या था ये? देखो कैसा है ना कि जब कोरोना था तो हम लोग को मालूम नहीं था कि कल हम लोग बचेंगे या बीमार पड़ के मर जाएंगे। वो टाइम पे डर के मारे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, कोई भी। तो मैं सोचा कि ये सही वक्त है कि बाहर निकल के कम से कम लोगों को राशन दिया जाए और बच्चे लोग को बना हुआ खाना दिया जाए। तो ये चालू किया मैंने बोरीवली आईसी कॉलोनी से, थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे महाराष्ट्र में राशन बांटा। ये जो भूख है ना, भूख, ये भूख भगवान ने नहीं बनाया, बराबर, ये इंसान ने बनाया। जब ये दुनिया बना था ना भाई, आज भी दुनिया में इतना खाना है ना, कोई भूखा सोने का जगह ही नहीं है। बट ये हम लोग ने बना दिया ना भाई सेल्फिश रीजन की वजह से, तो बस वही मिटा दो भाई। थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मामास किचन बराबर मेरे ऑफिस के बाजू में है। एंड ये चैलेंज मामास किचन में रखने का कारण क्या है मैं आपको बोलता हूँ। जो मामास किचन के जो ओनर है उमेश भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। ये लोग दिल से लोगों को खाना खिलाते हैं। अरे वाह वाह वाह। एंड इनकी क्वालिटी जो खाने की है, मैं चाहता था कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में सबको मालूम होना मांगता है कि दादा कितना अच्छा खाना बनाते हैं और वो लोग का परिवार कितने प्यार से ये खाना खिलाता है लोगों को। और ये हमारी गारंटी, हम पहुंचाएंगे पूरे इंडिया तक। और थाली की बात इतनी चल रही है तो सर थोड़ी भूख बढ़ रही है अभी। चलो देखते हैं थाली कैसी है, ठीक है? तो चलो आ जाओ भाई। भाई ये है एंट्री, आ जाओ सर। आइए ना सर, प्लीज। चलो प्लीज। अरे वाह वाह वाह, मस्त है एकदम, एम्बियंस भी सही है। तो भाई हमारे सामने थाली रेडी हो चुकी है और भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था मुंबई की सबसे बड़ी थाली, मैं डायलॉग कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखने के बाद थोड़ा आइडिया आया। ये है भाई इंडिया की सबसे बड़ी थाली। उनके लिए कैसा होता है, पहले हम लोग ने बोल दिया ये बड़ा है वो बड़ा है, वैसे नहीं, हम लोग ने पहले खुद देखा, उसके बाद बोल रहा हूँ कि ये है इंडिया की सबसे बड़ी थाली। तो इसका नाम क्या सर? सबसे पहले तो इसका नाम है मॉरिस भाई कॉर्पोरेटर थाली, यानी नगर सेवक थाली, बराबर। तो और इसमें कितने आइटम्स है? इसमें 27 आइटम्स है। 27 आइटम्स है और वो भी क्वांटिटी के साथ एकदम भर भर के क्वांटिटी है। और इसमें क्या क्या एक बार थोड़ा बता दोगे क्या? अंडा मसाला, अंडा मसाली है, प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स मसाला, मटन सुक्का, मटन सुक्का, चिकन मसाला, चिकन मसाला, वाटी रस्सा, वाटी रस्सा, मटन रस्सा, मटन रस्सा, सुकट, सुकट, ठेचा, ठेचा, रायता, रायता, सोलकड़ी, सोलकड़ी, फिश मध्ये सुरमई, फिश में सुरमई है, आणि पॉम्परेट,
और पॉम्पलेट, चिकन तंदूरी, चिकन तंदूरी, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्स, जीरा राइस, जीरा राइस, अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ज्वारी भाकरी, ज्वारी भाकरी, एंड राइस भाकरी, राइस भाकरी, और सबसे मेन पूरन पोली। पूरन पोली हमारे यहाँ की पूरन पोली बहुत स्पेशल है, फेमस एकदम, और पूरी गेहूं की बनाते हैं। अरे वाह 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 वाह। उमेश भाई एक भूल गए, पापड़, पापड़ भी है। और इसको खाने के लिए कितने लोग लगेंगे अंदाजे से? कम से कम 7 से 8 लोग लगेंगे। 7 से 8 मेरे को लग रहा था 8 से 10 लेके आओ। तो सर इसका प्राइस कितना है अभी? 3500 की थाली। अगर आप 8 से 10 लोग आते हो या 8 लोग भी आते हो, कॉन्ट्री करके आओगे, मस्त ग्रुप बैठ के आराम से खा सकते हो पेट भर के। हम लोग ने ऐसा भी रखा है कि कोई फैमिली वाले घर पे कुछ फंक्शंस है, ओके, तो ये पूरा थाली मंगा सकते हैं। मतलब ये पूरा थाली? यस सर, यस, ये थाली हम उनके घर तक पहुंचाएंगे, मगर वो सिर्फ बर्तन उन्हें लाके देना है। यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर के रेंज तक। तो चलो भाई इसको अभी उठाते हैं और लेके चलते हैं टेबल पे और फिर करते हैं इसका काम तमाम तमाम। चलो तो भाई थाली लेके जाते हैं शुरू। आराम से आराम से। मॉरिस भाई कॉर्पोरेटर थाली पधार रही है। चलो भाई ये होती है भाई इंडिया की सबसे बड़ी थाली। इस पे रख देते हैं, फिर हम लोग बैठ के आराम से इसको खाएंगे। तो भाई फाइनली हमारे सामने थाली आ चुकी है। लाने के लिए इतना वजन था कि क्या बोलूं, अब खाने में भी जोर लगाना पड़ेगा भाई। बहुत सारे आइटम्स है इसमें। ये थाली में जितना खाना है वैसे वो उसका प्राइस लगाने गए आप तो 8-8.5 हज़ार से ऊपर है आराम से, क्योंकि इतना तो हमें अंदाजा आ ही गया है कि क्या है इसमें डिश, क्वांटिटी रहता ना। और उस हिसाब से अगर प्राइसिंग देखा जाए प्यार के वजह से वो उतने में दे रहे मामा किचन में, मामा का प्यार के वजह से इतना सस्ता थोड़ा है ये। तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई भाकरी की साइज प्रॉन्स है, मटन। ओ भाई मटन मेरा फेवरेट है। और इधर का टेस्ट क्या, तो भाई मजा ही आ गया मेरे को तो, बहुत मजा आया। और ये सबसे मेन चीज होता है, इसको बोलते हैं वड़े, इसको खाते हैं कोमड़ी वड़े, मतलब एक डिश होता है, इसको खाते हैं जनरली चिकन के साथ। भाई इसका साइज देख के तो देखो, नहीं देखो साइज ऐसे देखो एक साथ, क्या ग्रेवी है भाई ये देखो। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टर से। स्टार्टर भाई तंदूरी दिया है सागर, तंदूरी। चलो चेस। तंदूरी रख के काफी टाइम हो गया, हम लोग बाकी चीजें भी करने रहते हैं, बट अभी भी कड़क नहीं हुआ है, सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है। तो नॉर्मल इंसान वर्सेस फूड चैलेंजर, फूड चैलेंजर। गायब, हम भी फूड चैलेंजर में ही है। हल्का टेस्ट है यार, पापड़ की भी टेस्ट है। इसको बोलते हैं सुरमई फिश। वाह, बाइट लेने के बाद जो फिश में एक कड़क लगा ना, मतलब समझेगा वो स्टोर्ड रहता है ना वो है, बट इसमें देखो बाइट लेने का सॉफ्ट लगेगा एकदम, तो उससे समझते हैं कि भाई ये फ्रेश है एकदम। अंडा, तो चलो अभी बढ़ते हैं अंडा चैलेंज की तरफ हमेशा की तरह। 3, 2, 1 गो। मेरे को तो भाई राइस अभी देख के राइस खाने का बहुत मन कर रहा है। ये राइस पूरा जीरा राइस जो डाल दिया है अभी, ये तरह तरह की ग्रेवी है, चिकन ग्रेवी है ये, प्रॉपर मिक्स करते हैं। खत्म। उमेश
खत्म। अच्छा इनको पूछो क्या आपने बम का गोला देखा है, सबको इनको इनको पूछो 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 बम का गोला देखा है क्या, खाने में देखा है, खाने में हमें बताता हूँ। ये देखो ये है अंडा बिरयानी, इसको डालते हैं इस पे। ओहो ये रखेंगे इसके ऊपर, पूरा सैलेड रखते हैं। चलो ओके चलो खाते हैं इसको अभी मेरे स्टाइल में। इसको अभी ऐसा पूरा क्रश कर देंगे। भाई बिरयानी की टेस्ट एक नंबर है, अगर आपको ऐसा नहीं खाना है तो अच्छी बात है, आराम से आके खाओ, ऐसा कुछ खाई नहीं है। ठीक है तो भाई ये है पॉम्फ्रेट फ्राई, इधर की पापलेट फ्राई। भाई मेन बात साइज देखो, साइज भी देखो भाई एक नंबर है। इसको खाने का हमारा ऐसा स्टाइल है, इसमें कांटे होते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट खाने जाओगे फंस जाएगा, ऐसा नहीं है, कांटे होते हैं बीच में, फिर कांटे कहीं और मिलेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये ज्वारी का भाकरी और उसके साथ है सुकट, ये खाते हैं। अच्छा ठेचा। ये कॉम्बिनेशन आप भी ट्राई करके देखो, हम लोग को तो जम गया है, मस्त है, बहुत मस्त है, होममेड। तो भाई इधर की सबसे फेमस है भाई पूरन पोली। एक नंबर ना, एक नंबर। तो भाई अभी नगर सेवक थाली, इतना खाने के बाद कुछ पचाने के लिए चाहिए ना, तो वो होता है भाई सोल कड़ी। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो चेयर्स। चेयर्स। सोल कड़ी। सोल कड़ी। मजा आ गया, जैसे मम्मी घर पे बनाती है सेम टेस्ट। बट यही बोल रहा हूँ ना कि ये थाली खाओगे ना आपको मम्मी का खाना, इसलिए तो नाम भी क्या है ममास किचन। इससे कि नगर सेवक थाली का तो पूरा तहस महस हो गया है, मजा आ गया। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम कौन सा ला रहे हो सर? नेक्स्ट टाइम आमदार थाली। आमदार थाली मॉरिस भाई, आमदार थाली लाएंगे। आमदार थाली लाएंगे। आमदार थाली जब लाएंगे तब यहाँ आमदार को भी बिठाएंगे। मॉरिस भाई भी बैठेंगे हमारे साथ, ठीक है? और वो 100 ग्राम नहीं थोड़ा ज्यादा खाएंगे, ये टाइम वो 1000 ग्राम से भी ज्यादा। देखो आ गए 600 ग्राम। 600 ग्राम का तो सर देखो मतलब मजा मिस हो गया थोड़ा। मैंने इनका अंडे का चैलेंज देखा था भाई। चलो सर एक अंडे का चैलेंज करते हैं। चलो अंडा चैलेंज इन 3-2-1 स्टार्ट। कम ऑन कम ऑन मॉरिस भाई। अरे बहुत फास्ट गया फिर भी यार। सही है सही है। तो भाई यही था हमारा आज का थाली का चैलेंज, बहुत खतरनाक थाली थी मेरे भाई। को तो बहुत मजा आया। और भाई 51,000 मिलेगा अगर थाली खत्म किया तो, नहीं किया तो आपको 51,000 देके जाना है। कैसा लगा मेरा मजाक? मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर। तो यही था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी हमारे जैसे खाओ पियो और मौज करो। बाय।